भाई ठीक से पैदा तो ले, आदत तो अपनी मम्मी के पेट से बाहर नहीं निकला तू, तेरे को प्यार में धोखे मिल रहे हैं। अबे स्कूल में क्लास टीचर मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट ले ले, उसको धोखा नहीं कहते। जिस उम्र में पैंट की जिप भी ऊपर नीचे करते करते मैं कई बार हाथ से उठाते, अगले को चोरिया प्यार में धोखे दे रही है आप। कभी सोचा ना था ये मिलो दूर होगा साया, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना। यार जब हम छोटे होते थे ना और मम्मी पापा कोई टॉय या फिर कोई टॉफी चॉकलेट लेके देने से मना कर देते थे, हम रूम के कॉर्नर पे जाते थे और रोने लग जाते थे या फिर उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, ए खुदा तूने ऐसा क्यों ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना। अरे इसके कौन से ख्वाब तोड़ दिया खुदा ने यार, ऐसे मेरी बात सुनो बेटा, बेटा सुनो, जाओ जाके मैच का होमवर्क दिया ना जो टीचर ने, वो जाके कर लो, सुबह क्लास टीचर बहुत डांटेगी। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में। मुंह पे सफेद पेंट, मांग में मिर्ची और गले में भिंडियों का हार। देखो भाई या फिर बहन या जो भी तुम हो, ये बताओ कौन से गोला से आए हो बे। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमार घर। और हाँ जादू की छठी औलाद, क्या बोल रहा था तू? पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में। पहली फुर्सत में निकल। अबे पागल के बच्चे, अबे भाई डिस्क्लेमर तो दे दिया करो, हार्ट अटैक आ सकता है, कमजोर दिल है। कौन है? कौन है? ये क्या चीज है यार, कसम से ये क्या है? ये तो टट्टी है। अबे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बंदा रात को बच्चे उठाने का काम करता होगा। कैसा वक्त आ चुका है, न जाने मनुष्यता को क्या होता जा रहा है, क्यों किस लिए क्या पता। कैसी है अनहोनी, हर आंख हुई नम। सजी सुर्ख जो दुल्हन, जमी पे फलक से परिया गई। हाय 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 हाय, परी आ गई है सीधा जन्नत से उतर के। देखो आई 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 जन्नत सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। देखो आई 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 जन्नत सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। अब ये हमारी जन्नत की सोन परी, ओए होए, ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है। आज सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए टिकटॉक पे लोग कुछ भी बन रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। वेलकम टू मोबाइल मैट्रिमोनी, नए रिश्ते के लिए एक दबाएं, मंगनी के लिए दो दबाएं, शादी के लिए तीन दबाएं। अगर आप दोबारा शादी करना। भैया आत्महत्या करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? नहीं वो क्या है, आपकी ये वीडियो देखने के बाद मैं मरी जाऊंगा। बाल बाल क्या देख लिया है यार, ये लड़का है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये लिपस्टिक लगा के ये मेकअप करके, ये लड़का है, कसम से खून की उल्टी करने का मन कर रहा है मेरा, और ऊपर से आग आग दिखाता है मादर। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई।
टिकटॉक पे खट्टे मीठे प्रकार प्रकार के लौंडे हैं, इसमें तो अब कोई नई बात रही नहीं है, लेकिन यही बचा था बस। अब टिकटॉक के लौंडे माँ भी बनेंगे या बाप बनेंगे, क्या बनेंगे पता नहीं। आप ही ने बनाई ये हालत इसकी, जिसने भी इसकी ये हालत बनाई है नीचे कमेंट में बताओ मेरे को। कौन है इसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार, जानना चाहता हूं मैं। अरे गरीबों के जॉनी सिंस कंट्रोल यार, पोस्टर है वो असली नहीं है। अरे भाई तो पूरा भाई फीलिंग ले लिया पोस्टर के साथ ही। अबे ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है? अबे यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ ऐसे कपड़े में, बेशरम। अच्छा लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहने तो फैशन, लड़के पहने तो बेशरम। साड़ी मुंह पे चपेट मारूंगा तेरे। क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। तो आई गेस अब तक तो सब इनको जानते ही होंगे, रानू मंडल, और इनकी स्टोरी भी पता होगी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। लेकिन एक चीज जो किसी को नहीं पता थी लेकिन थैंक्स टू टिकटॉक मुझे पता चल गई है, वो है ये। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है, उससे भी अच्छा गा लेती है, लेकिन इनका किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं वायरल कर रहा हूँ, आप एक बार इनकी भी आवाज सुने, बहुत अच्छा गाती है रानू मंडल की छोटी बहन। भला हो टिकटॉक का जो आज हमें पता चल गया है कि रानू मंडल जी से भी अच्छा गाने वाली उनकी एक छोटी बहन भी है। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है, उससे भी अच्छा गा लेती है, लेकिन इनका किसी को पता नहीं है। एक और बहन, रानू मंडल जी की कितनी बहने है? दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है, उससे भी अच्छा गा लेती है। ये नमूना भी, ये भी उसकी बहन है। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है। एट दिस पॉइंट तो ये एक भैंस को भी रानू मंडल की बहन बोल देंगे तो मैं मान लूंगा। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है। मेरे को नहीं खेलना यार। अरे आई एम डन ब्रो। नहीं सही में अगर और कोई बहन रह गई है उसकी तो वो भी बता दो भाई। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है। दोस्तों रानू मंडल की ये छोटी बहन है, ये भी बहुत अच्छी सिंगर है। दोस्तों रानू मंडल की बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और अब वीडियो को खत्म करने से पहले बात करेंगे टिकटॉक के कुछ ओवर एक्साइटेड नचनियों के बारे में। एपिलेप्सी का रोग बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको ये रोग हो जाता है वह जिंदगी में असहाय हो जाता है। और ये भाई साहब को एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग हुआ है, तो कृपया इन्हें जूता सुंघाए। ये टिकटॉक वाले भाई नेक्स्ट लेवल है यार, ये एक ह्यूमन स्पीशीज की ना अलग ही कैटेगरी है ये लोग। एनीवेज आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।